महाराष्ट्र की सियासत में सोमवार यानी कि आज सुबह शुरुआत जबरदस्त उठा पटक के साथ हुई। एक तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार की शर्त पर शिवसेना ने एनडीए का दामन छोड़ दिया। मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, लेकिन एनसीपी कांग्रेस के बड़े नेताओं के कुछ बयानों ने नए सिरे से सुगबुगाहट तेज कर दी है। कांग्रेस एनसीपी संघ गठबंधन में सरकार बनाने की उम्मीद में एनडीए छोड़ने वाली शिवसेना को इन बयानों से झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी के करीबी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने पार्टी की वर्किंग कमेटी के बैठक से पहले कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इधर एनसीपी के दिग्गज और पूर्व केंद्रीय नागरिक उद्यन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा कि सरकार गठन को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। राजनीतिक वातावरण गर्म हो गया है, लोगों में एक दूसरे में क्या करना क्या नहीं करना ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। मैं सुबह से टीवी में देख रहा हूँ, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री बन रहा है, सरकार बन चुकी है, ऐसी कोई भी बात मैं अधिकृत तौर से कह सकता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं हुई है। जो भी कुछ आगे बात अभी आज हम मिल रहे हैं, अब इस परिस्थिति का हम अध्ययन करेंगे और कोई जल्दबाजी में, क्योंकि ये कोई सरकार बनाने का और ये भी कोई प्राकृतिक सरकार नहीं होगी, कोई दूसरे लोगों के साथ बनाने की बात आएगी तो उसमें हमारी तैयारी है कितने हद तक है नहीं है, ये सब अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों की बड़ी मांग थी कि एनडीए से बाहर निकले, राहुल भाई देखिए ये कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कोई अधिकृत कोई ऐसी बात, हमने कोई विधान नहीं किया है। हमारा अधिकृत विधान इतना ही है जो शरद पवार जी ने दिया था कि हमारे पास जनमत नहीं है, जिनको जनमत है उन्होंने सरकार बनाना। अब वो नहीं बना रहे हैं उस परिस्थिति में, अब राजनीतिक परिस्थिति क्या होगी, कैसी होगी, निर्माण होगी, और ऐसा आप मत समझिए कि कोई सरकार बनाना कोई एक मतलब ये नहीं हुआ तो इधर का उधर जोड़ दिया और सरकार बनाना, ऐसी कोई सरकार देखिए महाराष्ट्र की जनता की भी बहुत अपेक्षा है। ये सरकार कोई भी किसी के साथ भी बनाकर, कल हम सरकार में रहकर अगर किसी के साथ जाते हैं तो सरकार की लोगों की अपेक्षाओं को हम पूर्ति कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत सारे प्रश्न हैं। इसलिए कृपया करके कोई अटकलें न लगाएं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोई भी हमने अभी भूमिका, सरकार में जाना नहीं जाना, किसी को साथ देना नहीं देना, इस पर कोई भी चर्चा हमारी हुई नहीं है, ये मैं आपको अधिकृत कहना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस के 44 में से 7 विधायक शिवसेना संघ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है।